हाय दोस्तों, आज हम विराट कोहली के 100th टेस्ट मैच के बारे में बात करने वाले हैं। जी हाँ, 100th टेस्ट मैच। आप सबको पता है कि 4th मार्च को श्रीलंका के अगेंस्ट मोहाली में वो खेलने वाले हैं ये मैच। उससे पहले हम उनके टेस्ट करियर की बातें कर लेते हैं। उन्होंने अपना टेस्ट करियर का डेब्यू किया था 2011 में जमैका में अगेंस्ट वेस्ट इंडीज। उसके बाद से उन्होंने 99 मैचेस खेले हैं। उन 99 मैचेस पे उन्होंने 7962 रन बनाए। उनका एवरेज है 50.4 का और उनका स्ट्राइक रेट है 55.7 का। टेस्ट क्रिकेट में उनका टोटल सेंचुरीज है 27 और उनके 7 डबल सेंचुरीज हैं। आप समझ सकते हैं कि एक ऐसे प्लेयर के बारे में कुछ भी कहे जाए वो कम ही होगा। वो एक 3-format प्लेयर है। लेकिन उनके टेस्ट करियर के बारे में कुछ छोटी छोटी बातें कर ही लेते हैं। तो वैसे तो उनका करियर शानदार रहा है, लेकिन 2014 पर एक ऐसा फेज आया था जो शायद उनकी क्रिकेटिंग करियर का वर्स्ट फेज था। वो खुद अपने बहुत सारे इंटरव्यूज पे ये कहते हैं कि जब वो सुबह उठते थे तो उन्हें लगता था कि आज उनसे रन्स नहीं बनेंगे। उस इंग्लैंड टूर पर उन्होंने 135 रन बनाए हैं 10 मैचेस पे और उनका एवरेज था 13 या 14 का। आप समझ सकते हैं कि इसके बाद लोग ये कहने लगे कि वो टेस्ट साइड पर डिजर्व नहीं करते। बहुत सारे लोगों ने ये कह दिया था कि उन्हें टेस्ट मैचेस से ड्रॉप कर देना चाहिए, लेकिन उन्होंने अपने आप को साबित कर दिया। 2014 और 15 की ऑस्ट्रेलिया सीरीज पर जाकर उन्होंने 4 शतक लगाए हैं। एज एन इंडियन बैट्समैन ये करना एक बहुत बड़ा अचीवमेंट था। लेकिन वो यही नहीं रुके, उन्होंने उसी इंग्लैंड में जाकर अपने आप को साबित किया 2018 में। जी हाँ, 4 साल बाद जाकर उन्होंने 500 के करीब रन्स बनाए हैं इंग्लैंड के अगेंस्ट और 2 शतक लगाए हैं। उन 2 सेंचुरीज में से एक वन ऑफ द आइकॉनिक इनिंग उनका जो था वो था एजबैस्टन में 149। बहुत सारे फैंस को वो इनिंग याद होगा, मेरे वन ऑफ फेवरेट इनिंग में से वो एक था। इसके बाद एज अ प्लेयर उन्होंने बहुत कुछ अचीव किया। जब हम उनके टेस्ट करियर की बात कर रहे हैं तो एज अ कैप्टन उनका जो कंट्रीब्यूशन था उसे कैसे भूल सकते हैं। उन्होंने 2014 में ऑस्ट्रेलिया में ही एडिलेड में अपने टेस्ट करियर की शुरुआत किया था, जहाँ पर उन्होंने दोनों पारियों में शतक लगाया था। आप समझ सकते हैं कि एज अ इंडियन कैप्टन ये करने वाले वो पहले इंसान थे। उसके बाद एज अ कैप्टन उन्होंने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उन्होंने उस इंडियन टेस्ट टीम को जो नंबर 7 पर था आईसीसी रैंकिंग में, उसे नंबर 1 पर लेकर गए। 5 सालों तक इंडिया टॉप पर रहा इन आईसीसी टेस्ट रैंकिंग। और उसके बाद 2018 का बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी इन ऑस्ट्रेलिया। सबको याद है कि वो पहले एशियाई कप्तान थे जो ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट सीरीज जीत कर आए थे। ये अचीवमेंट उनके बारे में बात करते कि वो कितने अच्छे लीडर थे, कितने अच्छे कैप्टन थे। और उसके बाद हमारे फर्स्ट बॉलर्स जैसे विकेट्स लेते हैं, जैसे परफॉर्म करते हैं, उसका बहुत सारा कंट्रीब्यूशन, उसका बहुत सारा क्रेडिट विराट कोहली को ही जाता है। ऐसा करने वाले वो भारत के लिए 12वें खिलाड़ी होंगे। उनसे पहले सिर्फ 11 लोग ही ये काम कर पाए हैं, तो हम उन्हें ऑल द बेस्ट विश करना चाहते हैं। पिछले 2 सालों में उनके एवरेज की जो गिरावट आई है, या फिर शायद उस तरह से रन्स नहीं बने जिस तरह से वो बनाते हैं, लेकिन फिर भी वो बहुत जल्द वापस आएंगे। वो हमेशा किंग कोहली थे, किंग कोहली है और किंग कोहली रहेंगे। वी ऑल वॉन्ट टू विश हिम लक, ऑल द बेस्ट किंग। और हाँ, कॉमेंट सेक्शन पर अपना फेवरेट विराट कोहली टेस्ट नॉक कमेंट करना मत भूलिए। आप बताइए कि आपका विराट कोहली का फेवरेट टेस्ट नॉक कौन सा था। जैसे कि मेरा एडिलेड 2014, जहाँ पर उन्होंने एज अ कैप्टन अपने डेब्यू मैच पर दोनों पारियों में शतक लगाया था। इसके अलावा एजबैस्टन और पार्थ 2018 भी मेरा फेवरेट है। लेकिन आप बताइए कि आपका फेवरेट कौन सा है।